नमस्कार, मेरे हाथ में है ये किताब जो है बिल्कुल लाजवाब। करीबन 300 रुपए की ये किताब पूरी तरह पैसा वसूल किताब है। इसे पढ़कर आपका ज्ञान बढ़े ना बढ़े, लेकिन राहुल बाबा के ज्ञान के बारे में आपको जरूर पता चल जाएगा। चलिए इस किताब के पन्ने पलटते हैं और राहुल बाबा के अथक ज्ञान सागर में गोते लगाते हैं। उन्होंने बात की है टेक ऑन RSS, इकोनॉमी, करप्शन, एग्रीकल्चर, वुमेन सेफ्टी, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉरेन पॉलिसी, एजुकेशन, रिजर्वेशन, हेल्थ प्रिंसिपल एंड वैल्यूज पर बात की है। किताब का पहला चैप्टर है टेक ऑन RSS। अब RSS पे राहुल बाबा के गप गोल तो आपने सुने ही होंगे, लेकिन उनके गप गोलों की हकीकत ये है। जी हाँ, जिस तरह से उनका दिमाग खाली है, उस तरह से ये किताब के पन्ने भी खाली है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर की ओर। दूसरा चैप्टर है इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र, और जानते हैं आखिर इकोनॉमी पर उनका क्या ज्ञान है। अरे ये क्या, ये चैप्टर भी उनके ज्ञान की तरह पूरा खाली है। चलिए बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। अगला चैप्टर है करप्शन। अरे ये क्या, ये भी खाली। वुमेन सेफ्टी, ये भी खाली। एजुकेशन, ये भी खाली। इसी तरह ये पूरी किताब ही खाली है। अब पता तो पूरे देश को है, लेकिन राहुल बाबा के कोरे दिमाग को किताब की शेप पहली बार दी गई है। तो आइए जानते हैं आखिर लोगों का क्या कहना है इस किताब पर और राहुल गांधी के ज्ञान सीमा पर। अमेजोन पे एक बुक है जो हमने भी देखा है कि वाई टू वोट फॉर राहुल गांधी। इसमें एजुकेशन से रिलेटेड भी चीज़ें, हम लोग स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट मतलब एजुकेशन पे ही ज़्यादा फोकस करता है, लेकिन अगर हम इसके अंदर देखें, अगर इसके अंदर हम देखें तो पूरे चीज़ें पूरे ब्लैंक है, पूरे खाली है। भाई मैं यही कहना चाहता हूँ राहुल गांधी जी, अभी आप थोड़ा सा राजनीति में थोड़ा और परिपक्व होइए, तब राजनीति में आइए। ये किताब खाली पन्ने की तरह है, क्योंकि राहुल गांधी का तरीका भी खाली पन्ने की तरह है। राहुल गांधी का जो पॉलिटिकल करियर है वो बिल्कुल इस बुक की तरह है, जिसका कंट्रीब्यूशन जीरो है या ना के बराबर है। राहुल गांधी मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरा मानना है कि जहाँ तक इस बुक की तरह ही है, खाली किताब है बिल्कुल, उसके अंदर मतलब उनके अंदर कुछ टैलेंट नहीं है। राहुल गांधी का जो पॉलिटिकल करियर है वो इस अमेज़ॉन पे मिल रही बुक के एकदम सेम है, टोटली ब्लैंक। राहुल गांधी का तो यही नहीं पता होता, वो बोलते क्या है, कुछ भी नहीं पता रहता, बस वो जो मन में आया बोल दिया, बिल्कुल जैसे कहते हैं पप्पू, मतलब बच्चे की तरह ही है जो भी है। ये किताब भी एक उन्हीं की तरह खाली पन्नों की तरह रही है और ऐसी रहेगी वो। भाई